दोस्तों ब्रेड और जैम से तो मेरे दिन की हमेशा ही शुरुआत होती है। स्पेशली स्ट्रॉबेरी जैम है ना, मुझे बहुत ही पसंद है। वो भी घर में ही बना हुआ है, ये सुपर डिलीशियस खट्टा मीठा जैम। इस जैम की सबसे खास बात यह कि इसमें ना तो हमने आर्टिफिशियल कलर यूज किए और न ही कोई प्रिजर्वेटिव। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसे बनाने की आसान सी ट्रिक। देखिए, सबसे पहले ही हमें ले लिए लगभग 400 ग्राम फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। अब हमें जो करना है, ग्रीन जो छोटी छोटी लीफ वाला पार्ट है ना, उसे अलग करेंगे। देखिए, सभी स्ट्रॉबेरीज को मैंने क्लीन कर लिया है। अब ले लेंगे एक बर्तन में हल्का सा गर्म पानी, यानी कि एकदम गुनगुना पानी, और अब इसमें डाल देंगे हम ये सभी स्ट्रॉबेरीज। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, स्ट्रॉबेरीज में बारीक बारीक पोर्स होते हैं, उसी की वजह से इसमें डस्ट या गंदगी चिपक जाती है, इसलिए इन्हें वॉश करना बहुत जरूरी है। अब इस गुनगुने पानी में स्ट्रॉबेरीज को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। चलिए फ्रेंड्स, लगभग 4-5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन बेरीज को अलग बर्तन में निकाल लेंगे, और अब आप देखिए इस तरह से इस पर चिपकी हुई पूरी गंदगी को हमने साफ कर लिया है। अब जो हमें करना है, इन बेरीज को हम पूरी तरह से ड्राई करेंगे। इसके लिए एक साफ कॉटन क्लॉथ पर इन्हें फैला देंगे और फैन ऑन कर देंगे, जिससे कि ये पूरी तरह से सूख जाए। देखिए दोस्तों, लगभग 10 मिनट में इसका पूरा पानी सूख चुका है। फ्रेंड्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इससे बना जैम अगर हमें लंबे समय तक प्रिजर्व करना है तो इसमें एक भी ड्रॉप पानी का नहीं रहना चाहिए। अब इन ड्राई बेरीज का ये ऊपरी हिस्सा कट करके अलग कर देंगे और इन्हें इस तरह से रफली चॉप करेंगे। और ठीक इसी तरह से पूरी स्ट्रॉबेरीज को हम चॉप कर लेंगे। लीजिए, तो ये तैयार है हमारी चॉप्ड स्ट्रॉबेरीज। अब हमें जो करना है, गैस ऑन करके एक स्टील की या नॉन स्टिक कढ़ाई रखेंगे, फ्लेम लो कर देंगे। इसमें डालेंगे ये पूरे पीसेस, साथ ही डालेंगे हम 250 ग्राम शक्कर। शक्कर को पूरी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट में ही शक्कर मेल्ट होने लगी है। अब जैसे ही शक्कर मेल्ट हो जाएगी ना, इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून जितना साइट्रिक एसिड और इसे मिक्स करेंगे। दोस्तों, ये जो साइट्रिक एसिड हम डाल रहे हैं ना, इससे हमारे जैम का खट्टा मीठा बहुत ही अच्छा टेस्ट बैठेगा। अब इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते हुए पकाएंगे। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। इस पूरे मिक्सचर को हमें गाढ़ा होने तक पकाना होता है। देखिए, लगभग 6-7 मिनट इसे पकाते हुए हो चुके हैं और अब इसका फॉर्म काफी थिक हो चुका है। इससे ज्यादा हम इसे गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी और गाढ़ा पड़ जाता है। अब तुरंत ही गैस बंद कर देंगे और इस पूरे मिक्सचर को ठंडा करेंगे। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और ये पल्प हमारा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। और देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, ठंडा होने के बाद इसका फॉर्म एकदम गाढ़ा हो चुका है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा बैठा है। अब जो हमें करना है, पाव भाजी मैशर से इस पल्प को अच्छी तरह से मैश करेंगे, जिससे कि इस पल्प में जो भी स्ट्रॉबेरी के बड़े बड़े पीसेस होंगे ना, वो पूरी तरह से छोटे हो जाएंगे और ये पल्प एकदम जैम वाले फॉर्म में आ जाएगा। चलिए, तो लगभग 2 से 3 मिनट तक इसे हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया, और अब आप देख सकते हैं इसका फॉर्म कितना अच्छा हो चुका है। कलर भी इसका बहुत ही सुंदर लग रहा है ना। ना तो इसमें हमने कोई एडिशनल कलर यूज किया है और न ही किसी तरह का प्रिजर्वेटिव, फिर भी आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत अच्छा बैठा है। तो चलिए, अब इस रेडी जैम को स्टोर करने के लिए चौड़े मुंह वाले जार या बर्नी में भरेंगे। फ्रेंड्स, इस जैम में बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रॉबेरी के पीसेस अभी भी हैं, जो कि स्वाद में बहुत ही अच्छे लगते हैं। बच्चों को तो ये जैम बहुत ही अच्छा लगता है। अब झटपट से आपको इसे ब्रेड पर स्प्रेड करके दिखाती हूँ। यहाँ ले लिए मैंने ये रोस्टेड ब्रेड। अब इस पर हम स्प्रेड करेंगे ये जैम। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना ये। और मेरा यकीन मानिए दोस्तों, इसका खट्टा मीठा स्वाद तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। मैं तो लगभग 1 चम्मच रोज ही इसे कोरा ही खा लेती हूँ। मुझे तो इसका खट्टा मीठा स्वाद बेहद ही पसंद है। इस जैम को हम 4 से 5 महीनों तक के लिए फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो दोस्तों, आप भी ट्राई कीजिए सुपर डिलीशियस यम्मी यम्मी स्ट्रॉबेरी जैम, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।